हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अमृता किचन विद फन में। तो आज की रेसिपी जो है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 किलो मिर्चर घर पर कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा बाजारों में कितनी मिलावट आती है, तो आज हम बनाएंगे 5 किलो मिर्चर घर पे ही, जिसके लिए हमने आधा किलो पोहे लिए हैं। जो हम घर में बनाते हैं ये वही पोहे हैं, इसे हम पहले से तल लेते हैं। इसे तलने के लिए सबसे पहले आप तेल गरम करें और उसे बहुत ही हाई फ्लेम पे अच्छा गरम कर ले। उसके बाद आप इसे जिस प्रकार से देख रहे हैं वैसे ही आप इसे बहुत ही आसानी से तल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत ही अच्छे कुरकुरे हो जाते हैं, तो आप इसे ऐसे ही तल सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से तलकर तैयार हैं। तो ऐसे ही हमने ये आधा किलो पोहे तलकर अलग रख लिए हैं और इसका हम ऐसे ही तेल निकाल देंगे, जिससे तेल पूरा नीचे निकल जाएगा। और ये हमने सेव बना लिए हैं बारीक, घर पर ही बनाए हैं मशीन से। ये सबको बनाना आते हैं इसलिए मैंने इसे पहले ही बनाकर रख लिए हैं। अगर आपको ये भी देखना है कि सेव घर पर कैसे बनाएं तो कमेंट कर जरूर बताएं। ये हमने दाल ले ली है जिसे हमने 2-3 घंटे पहले से ही भिगो दी थी और उसके बाद हमने इसे किसी कपड़े पर फैलाकर और थोड़ी देर के लिए, इसका पानी जब सोख जाता है तब तक इसे कम से कम आधे घंटे के लिए सुखा ली थी। अब उसके बाद क्या है, हम इसे भी अच्छे से तल लेंगे। तो इसके लिए भी हमें बहुत ही तेल जो है अच्छा गर्म होना चाहिए, जिससे हमारी जो दाल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तलकर तैयार हो जाती है, जो खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो ये दाल ऐसे भी खा सकती हैं। आपने देखा होगा बाजारों में कितनी मिलावट आती है और आप इस मिक्सचर को बहुत ही आसानी से पैक करके 1 महीने तक, उससे ज़्यादा भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दालों को भी अच्छे से तल लिया है और यहाँ पर मैंने आधा किलो मूंगफली के दाने लिए हैं और इसे भी हम अच्छे से तल लेंगे। सभी के लिए हमें तेल बहुत ही तेज होना चाहिए, अच्छी फ्लेम हो इसकी। तो यहाँ पर सभी जो मैंने सामान है आधा आधा किलो लगभग ले लिया है। आप चाहे तो इसमें जो आपको ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हमें डीप फ्राई करना है। इसे हमने एक चलनी में रखकर अच्छे से फ्राई कर लिया। अब ये हमने जो नारियल है उसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है और हम इसे भी तल लेंगे। इसे तलने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। अगर हम इसे ज़्यादा देर तक तलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और उनका स्वाद चेंज हो जाएगा। तो आप इसे तलने में ध्यान रखें कि इसमें कम ही आँच हो। और ये कड़ी पत्ता है, कई लोग मीठा नीम से भी इसे जानते हैं, तो इससे भी एक अलग ही फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे भी हम अच्छे से तेल में तल देंगे, जिससे ये बहुत ही कुरकुरे हो जाएंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को ध्यान से तल लीजिए। और हमने ये पोहे लिए हैं तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डालते जाइए, जिससे इसका अच्छा कलर हो जाएगा, और अपने हाथों से मिक्स कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लिया है पोहे में, और बाकी का जो कलर है हम मसाले ऐड करेंगे तब इसमें और भी अच्छा कलर आ जाएगा। तो अभी हमने पोहे में हल्दी मिक्स कर ली है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमने जो अपनी चीजें सभी जो तलकर तैयार रखी हैं। देख लीजिए मूंगफली के दाने, चने की दाल, तो इसे हम इसमें डाल देते हैं और हम इसमें दाल भी ऐड कर देंगे। ये हमने सभी जो चीज़ें हैं आधा आधा किलो ले ली हैं और इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमने ये सेव बनाए थे ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सभी सामान को आप पहले अच्छे से तल लीजिए, साइड में रख दीजिए, उनका तेल निकल जाएगा, फिर आप सभी को आसानी से मिला सकते हैं। और इसे आप अच्छे से पैक करके रखिए और आप इसे लंबे समय तक रखकर खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेव बनाए थे बारीक वाले, तो इसे हम मिलाते जाएंगे
और अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने ये जो मीठा नीम तला था उसे हम अच्छे से पहले अपने हाथों से तोड़ लेंगे, जिससे उसके बारीक बारीक टुकड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार है। अब हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया है, इससे क्या है इसे मिलाने में आसानी होगी। ये हमारे पास शुगर पाउडर है, इसे हम डाल देंगे, और ये 4 से 5 चम्मच है हमारे पास लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पोहे का मसाला, चाट मसाला जो आता है वो है 3 बड़ा चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ये है 3 बड़ा चम्मच। अगर आप चाहें तो नमक तो आप बाद में भी इसमें कम हो ज़्यादा हो तो ऊपर से ऐड कर सकते हैं। मिलाने के बाद आप इसे टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक कम है तो आप इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो हमने सब सामान को ऐड तो कर दिया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आइए हमारी बारी मिक्स करने की, तो इसे ध्यान से मिक्स करते जाइए, और ध्यान रखिए कि आपकी सेव जो है ज़्यादा बारीक ना हो जाए, इसलिए आप उसे तोड़िए मत, अच्छे से मिक्स करना है। और कभी कभी सेव बनाने में जो मोटे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसे अलग से निकाल दीजिए। तो देखिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें और भी दूसरी चीज़ें जैसे आमचूर पाउडर वगैरह डालें तो आपको एक खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, पर मैंने यहाँ पर इसे नहीं डाला है। तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आप घर पर ही बहुत ही हेल्दी मिक्सचर घर पर ही बनाकर तैयार कर सकती हैं। ना ही इसमें कोई मिलावट का झंझट है और ना ही किसी और चीज़ का। तो देखिए घर में ही बहुत ही आसानी से तैयार है 5 किलो मिक्सचर। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे।